बेगम शुफ बेगम यहाँ। फूकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं तो ड्रामा बिल्कुल। भाई इतनी फूके अगर आपके पास हैं तो हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो तो जो भी माजूर लोग होंगे उनपे स्प्रे कर दिया करो ठीक हो जाएंगे और जो माजूर के अस्पताल है सबको बंद करो भाई लाइन लगा के कहां चले जाओ यार तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है तो बगैर दाढ़ी के वली कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए आप गेटअप देख लें जो रंग बिरंगी गेटअप है जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है वो जो एक्टरों पे सजता है वो पे ये गेटअप सजता है लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना ये इकरारू हसन को अप्रीशियेट करने के लिए उस एक बंदे ने नर वाला काम किया वो डरा नहीं पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ तो उसको अकेला ना छोड़े उसको क्या करें सपोर्ट करें कोई तो खानदानी काम किया ना उसने अल्लाह ताला हसन को इसका बेहतरीन के बयान के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें ये जो फूको वाली सरकार है शुफ शुफ। तो इन्होंने बड़ा लोगों को उल्लू बनाया हुआ है बहुत बड़ा क्राउड सरकार के गद जमा हो गया है फूकों से लंगड़े ठीक हो रहे हैं आँखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं इस पर मैंने पहले वो बेचारे नासिर मदनी ने बयान किया था कुछ उसको उठा के कि किस तरह से मारा गया पीटा गया तो मैंने भी जब बयान किया मैंने कहा भाई इतनी फूँके अगर आपके पास हैं तो हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो तो जो भी मज़ूर लोग होंगे उन पर स्प्रे कर दिया करो ठीक हो जाएंगे लोग डर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ बोलते हुए ना क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है और हमारे कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो एजुकेटेड भी है और उसके पास पावर भी है वो उनका उसका मुरीद बना हुआ है क्योंकि बेवकूफ़ों की पाकिस्तान में कमी नहीं है और हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है इन चीज़ों पे सऊदी अरब में ये मंजन नहीं चलते यू में भी नहीं चलेगा ये मंजन अरबों में नहीं चलता ज़्यादातर इस तरह का मंजन किसी अरबी को मंजन बेचना होता है तो वो भी यहाँ आता है जैसे इराक़ से आया था ना पिछले साल आपको बताया कि रूहानी टोपी तो ड्रामा बड़े लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे मैंने उसके खिलाफ भी बयान दिया था भाई ये मंजन है तो लोग नहीं मान रहे थे मुझ पर भी दबाव आया कि नहीं आप अपने बयान से रुझू करो ये तो बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं फिर बाद में जब पता चला कि मंजन है तो मैं तो बार बार कहता हूँ ये रूहानी के नाम पर जो भी देखो बुज़ुर्ग की डेफिनेशन क्या है बुज़ुर्ग कहते हैं जो खुद भी गुनाहों से बचता हो और दूसरों को भी बुराइयों से रोकता हो अच्छा ये जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका नाम रखें हसन जिंदाबाद ये मैं हसन को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तस्करा कर रहा हूँ इसलिए मैंने साथियों से कहा कि मैं इस पर बात करूँगा ना तो उसका नाम भी रख देना हसन जिंदाबाद और आगे फूके बना देना बहुत सारी तो बुज़ुर्ग की डेफिनेशन क्या है वलील्ला किसे कहते हैं वली उसे कहते हैं ख़ुद भी सुन्नत पर अमल करता है लोगों को भी सुन्नत पर चलाता है कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वाजे नज़र आ रही हैं उस शख़्स में जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं बिल्कुल देखो बुज़ुर्गों के हाथ पे करामत ज़ाहिर हो सकती है लेकिन बुजुर्गों के करामत सेंटर नहीं होते समझते हो गया नहीं समझते है? कभी अल्लाह किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे कोई करामत ज़ाहिर कर दे ईसा सलातम तो अल्लाह के पैगम्बर थे पैगम्बर का मकाम तो वली से बहुत ऊँचा होता है मुर्दे को कहते हैं कुम बज़न ला तो वो मुर्दा अल्लाह के हुम से ज़िंदा होकर खड़ा हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हज़रत इब्ने मरियम ने कोई सेंटर बना लिया हो कि जिसको अपने मुर्दे ज़िंदा करवाने हो हमारे पास ले आए क्योंकि ये जो मोजा है ना इसके सुदूर में पैगंबर का कोई दखल नहीं होता ये किसकी तरफ़ से होता है अल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा नहीं चाहेगा तो नहीं होगा तभी हजरत ईसा ने ऐसा नहीं किया कि कोई बाकायदा मुर्दों को ज़िंदा करने का कोई ادارہ खोल लिया हो कि जिसने अपना मुर्दा जिंदा कराने आ जाए मैं जिंदा कर दूंगा भाई नहीं उनके इख्तियार में यह चीज़ नहीं है जब अल्लाह ने कहा कि अब आप करें तो मैं जिंदा कर दूंगा आप कुम कह दें मैं इसको मुर्दे को खड़ा कर दूंगा तो कर दिया नॉर्मली हजरत ईसा ये काम नहीं कर सकते थे इसी तरह हजरत मूसा सलात लाठी को सांप बना दिया करते थे यह मोजा था ना उनका तो लाठी को जब सांप बनाया करते थे तो क्या मूसा सलाम ने कोई लाठी को सांप बनाने का सेंटर खोल लिया था कि जिन लोगों को भी सांप चाहिए लाठियाँ ले आए मैं ढि धम धम धड़ा धड़ सांप बना दूंगा और फिर उसको उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो बल्कि होता ये था कि जब अल्लाह आपको कहता कि मैं अब लाठी को सांप बनाऊँगा तो लाठी ज़मीन पर डालते सांप अल्लाह बना देता जब नहीं होता तो वो लाठी रहती कुछ भी नहीं होता यही वजह है कि हजरत मूसा जब अल्लाह के जब को हित तूर पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने मूसा सलाम से कहा कि आपके दाएं हाथ में क्या है उन्होंने कहा लाठी है कहा ज़मीन पे डालें आप हजरत मूसा को नहीं पता था कि ये सांप बन जाएगी जब जमीन पे डाला तो वो सांप बन गई हजरत मूसा खौफ से दौड़ने लगे कि खा खा ना जाए काट ना ले तो अल्लाह ने फरमाया मूसा वापस पलट अकबिल वला तखफ़ वापस पलटें डर न खौफ ना खाएं सनुईद हासीरत हल ऊला आप इसे पकड़े हम दोबारा लाठी बना देंगे तो ये सारे काम कौन कर रहा था अल्लाह कर रहा था तो हजरत मूसा को पता था मेरे इरादे का इसमें कोई दखल नहीं है इसलिए हजरत मूसा ने कोई सेंटर नहीं खोला कि लोगों को कहा कि जिस जिसने अपनी लाठी को सांप बनाने आ जाओ भाई मेरे पास हर दफा अल्लाह से पूछते थे कि अब क्या होगा तो अल्लाह बताते थे कि अब आप ऐसा करें लाठी को फेंकें यह पत्थर से पानी के चश्मे निकाल देगी अब आप ऐसा करें आप लाठी को पानी पे मारें यह पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी वरना हजरत मूसा को इससे पहले नहीं पता होता था अब देखें मूसा सलाम जब दरिया के किनारे पहुंचे हैं पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है तो परेशान हो गए बनी इसराइल के हम तो मारे गए तो हज़रत मूसा ने क्या कहा ये नहीं फरमाया कि सब्र करो मैं जो है वो अभी मेरे पास एक लाठी है देखो मैं करता क्या हूँ ना 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 हजरत मूसा ने कहा भाई अल्लाह ही जाने क्या होगा इन नमाई रब भी मुझे ये पता है अल्लाह मेरा साथ नहीं छोड़ेगा वो कैसे हमें बचाएगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है तो पता था मूसा सलाम को ये लाठी है भाई कुछ नहीं कर सकती अल्लाह आप कैसे बचाएगा ये अल्लाह की मर्जी है तो अल्लाह ने वही की मूसा पर पर क्या मूसा इसको आप पानी पे मारें और कत्तिल अजीम दोनों तरफ पहाड़ जैसी मौजें रुक जाएंगी तो जब पैगंबर का जिनका दर्जा वलीउल्लाह से बड़ा है वो मोजे सेंटर खोल के नहीं बैठते जब अल्लाह उनके हाथ पे मोजे दिखाना चाहे दिखा देता है नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाता हमारे नबी सल्ह वसम ने चाँद के टुकड़े ज़िंदगी में कितनी दफ़ा किए हैं बोलो न एक दफ़ा किए बस और हर मुतालबे का आपने जवाब भी नहीं दिया मुशरकन कहते थे कि सूर्य बन साइल में आप देख लें लनु मिनल का तफ जुरालना मिनल अर्दी यम्बू आग़म्बर हम आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप ज़मीन से चश्मे जारी ना कर दें तो हमारे नबी ने ये नहीं किया कि यूँ किया और चश्मा जारी ना कब ही मैं कहाँ से चश्मे जारी कर सकता हूँ फिर उन्होंने कहा कि अव यकून अल का भई तुम मिन ज़ुखरुफ़ अव यकून का जन्न तुम मिन नख़ीलिन आप के लिए खजूर का बाग होना चाहिए वाइना बिन अंगूरों के बा होने चाहिए फ़तो फिर अनहारा खिला तफजीरा आप उसके बीच में नहरें जारी कर दें औ तर काफ़ि आपको चाहिए आसमान पर जाएँ और वहाँ से किताब लेकर आएँ फ़रिश्ता क्यों किताब ले आ रहा है तो इन सब बातों के जवाब ने नबी ने क्या कहा अल्लाह ने फरमाया कुल ए नबी आप इनको कह दीजिए सुबहान रबी मेरा रब हर ऐब से पाक है ये सारे काम अल्लाह कर सकता है मैं नहीं कर सकता हल कुंत तो अला बशर रसूला मैं तो एक इंसान हूँ अल्लाह का पैगम्बर हूँ मैंने कब दावे किए कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ अब सवाल पैदा होते जब नहीं कर सकते थे, फिर चांद के दो टुकड़े क्यों कर दिए भाई उस अल्लाह ने करा दिया उस वक्त जब अल्लाह करा देगा तो कर लेंगे वो भी एक ही दफ़ा हुए हैं अब ये थोड़ी था कि जब भी कोई आता नबी के पास कि आप मेरे सामने टुकड़े करें तो फिर आप दो टुकड़े करते फिर कोई तीसरा आता टुकड़े करें आप टुकड़े करें और शुफ वाली सरकार के पास जब भी कोई लंगड़ा जा रहा है सीधा होके जा रहा है जब भी कोई अंधा आ रहा है सीधा होके आ रहा है जब भी कोई आड़ा तिरछा एकदम नट बोल्ट सीधे किए शुफ सीधा ये कौन सी फूक है भाई जो काम पैगंबरों के मोजे इतनी कसरत से जो है ना और मोजे सेंटर नहीं खुलते बाकायदा तो पैगंबरों के बाद दुनिया में अल्लाह के वली आते हैं उनके हाथ पे अल्लाह बाज दफ़ा करामत ज़ाहिर कर देते हैं लेकिन वो करामत सेंटर खोल के नहीं बैठते करामतें भी होती हैं बाज दफ़ा अल्लाह किसी वली के हाथ पे जैसे सुलेमान वाम जो थे उन्होंने कहा कि भाई कौन है जो मलिका सबा का तखत उठा के लाएगा एक जिन्ने का मैं लेकर आऊंगा एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा ये कहा और तखत हाज़िर एक दफ़ा हो गया बस ये क्यों अल्लाह ने उन बुजुर्ग के दिल में इल्हाम कर दिया कि मैं आपके हाथ पे करामा जाहिर करूंगा अब जाहिर है कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता ये अल्लाह ने कर दिया तो क्या वो बुजुर्ग करामा सेंटर खोल के बैठ गए कि जिस जिसको अब तखत मंगवाना होगा शुफ तखत हाजिर एक ही दफा हुआ है इससे ज्यादा होना शुरू हो जाता तो निज़ाम आलम तबाह हो जाता अब ऐसा नहीं हुआ अब देखो कुरान कहते हैं हमने सुलेमान सलाम के ताबे हवा को कर दिया था हवा सुलेमान सलाम को उठा के ले जाती उनके तखत को एक महीने का सफ़र चंद घंटों में तय करा देती थी वो ये कुरान में है हा शहर उन व रवा हुआ शहर सवाल पैदा होता है कि दो तीन घंटे तो फिर भी लग रहे थे ना उनको किसी मुल्क में पहुंचने में कि तखत उठा के सलाम समेत जाएगी वो हवा और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा देगी तो सलीमान इस्लाम और बुजुर्ग से कहते कि यार तुमने चंद सेकेंटों के अंदर मेरी पलक झपकने से पहले मलकाय सभा का इतना भारी भरकम तखत वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर से उठा के ले आए तो अब हवा के तकलुफ़ की हमें ज़रूरत क्या है बोलो शफ वो बुजुर्ग बोलते शुफ और सलमानसम का एक सेकेंड के अंदर तखत इस मुल्क से उस मुल्क इससे भी पता चलता है कि वो उन बुजुर्ग के हाथ में भी वन सपोन टाइम ऐसे हो गया कि अल्लाह ने कह दिया भाई चलो हम करामत जाहिर कर देंगे ये नहीं कि वो बुजुर्ग कोई करामत सेंटर खोल के बैठ गए हो कि अब जहां किया शुफ और वहां तखत पहुंचा यहां से वहां क्योंकि इससे निज़ाम आलम क्या हो जाएगा तब्दील अगर उन बुजुर्ग के पास ये ताकत आ जाती ना कि जब शुफ करेंगे बंदा जैसे ये देखो ना ये जो शुफ वाली सरकार है सैकड़ों लंगड़ों को तो ठीक कर दिया इसने तो आ खान हॉस्पिटल का तो वाट लगने वाली है मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में क्या ख्याल है और सिविल हॉस्पिटल और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई लाइन लगा के कहाँ चले जाओ और जो लंगड़े को शुफ करके सीधा कर देगा वो भागी भी बीवी क्यों नहीं ला सकता कितने लोग मेरे पास आए हैं छः महीने से हमारी बेगम जनाब नाराज़ी चल रही है तो सलेमान सलाम के दौर में अब किसी की बेगम नाराज हो के मैं चली गई वो बंदा फ़ौरन उन बुजुर्ग के पास आएगा आप मल्का सभा का तखत उठा के ला सकते हो मेरी बेगम शुफ बेगम यहां खुद इनके अपने माजूर बच्चे पैदा होते हैं ये शुफ करके ठीक नहीं कर सकते अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आज शुभ वाली सरकार का एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे किसी का बाप भी टांग जोड़ के दिखाए इनकी शुफ शुफ करता हुआ सारी जिंदगी गुजार देगा अपनी टांग नहीं जुड़ेगी तो क्या हो गया है अकल के इन अंधों को मैं समझा पा रहा हूं मैं करामतों का मुनकिर नहीं हूं कुछ लोगों ने बाबों की करामतों में मुबालगा किया है जो करामतें सही सनत से साबित है उनका भी इंकार किया यह भी गुलूब है करामत का सुदूर अहल्ला से होता है हमने अपनी आंखों से देखा है लेकिन करामत सेंटर खोल के नहीं बैठे बैठ जाते और वो अपनी करामतों की नुमाइश भी नहीं करते हैं समझते हो गया नहीं समझते और फिर वली उल्ला होना भी तो जरूरी है हमारे नबी सल वसल्लम ने हुम दिया खालिफुल यहूद अवन सारा यहूद और ईसाइयों की मुखालफत करो आफुलिहा दाढ़ी रखो या दाढ़ी बढ़ाओ दाढ़ी बढ़ाओ मैं नहीं कह रहा जो दाढ़ी काटते हैं वो हमसे बुरे हैं हमसे अच्छे ही होंगे लेकिन कम से कम एक आदमी वलियला होने का दावा करता है तो उस पर सुन्नत वाला गेटअप तो फर्ज बनता है ना तो बगैर दाढ़ी के वली कहाँ से मार्केट में आना शुरू हो गए उनकी दाढ़ी भी नहीं है आप गेटअप देख लें जो रंग बरंगी गेटअप है जो फंकारों दकारों वाला गेटअप होता है वो जो एक्टरों पर सजता है वो पे ये गेटअप सजता है अगर मैं यहां रंग बिरंगी नीली पीली बत्तियां लगा के आ जाऊं आप बोलोगे मुफ्ती साहब किसी शूटिंग में जा रहे हो या जुम्मे का बयान करने आ रहे हो तो वली ला वाला ना गेटअप है ना चेहरे पे हर वक्त नामों से रिसालत खत्म नबूत नामो रिसालत के नारे लगाते हो यार तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है हम नहीं कह रहे जिसकी दाढ़ी नहीं है हम उसको बुरा समझते हमसे अच्छा ही होगा लेकिन कम अज कम वो दावा तो नहीं करता ना बड़े बड़े मेरी अगर दाढ़ी नहीं होगी तो मैं कम अज कम मेम्बर पर बैठ के बड़े बड़े दावे तो नहीं करूंगा ना भैया मेरा तो गैटअप बता रहे तो तो गैटअप बता रहा है और आप दावे कर रहे हो वो कह सकते हैं कि मैं तो दावे नहीं कर रहा भाई आप अमल से दावे कर रहे हो जबान से बाज दावे नहीं किए जाते और कहते नामूस रिसाल से कौन सा तहफुज खत्म नबूत के लिए कोई बड़ा काम कर लिया कौन सी आपने तहफुज खत्म नबूत के लिए मारे खाई है यह बिल वो जो कौमी असम्बली से बिल पास हुआ था उसमें आपका क्या किरदार है कुछ भी नहीं मंजन बेच रहे हो आप नामों से रिसालत का और ख़त्म नबूत जो है वो उसका नाम पे आप जो ख़त्म नबूत का, का काम करने वाले हैं वो तो अलग लोग हैं वो तो कभी नहीं उन्होंने कोई फूंक लगा के कि किसी बंदे को ठीक करने की कोशिश की तो अब मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था हमारे जो बाख्तियार इदारे हैं उनको चाहिए था कि यार एक आदमी खुले लोगों को उल्लू बना रहा है और बेचारी आवाम तो बेवकूफ़ होती है वो तो वीडियो देख देख के के लंगड़ा था शुफ किया है, सही चलना शुरू हो गया वो बेवकूफ बन रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी थी असल में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जैसे सऊदी अरब में ये शुफ वाली सरकार दरा एक फूक तो लगाए ना ऐसे लोगों की फौरन सऊदी गवर्नमेंट दो मिनट में सारी फूंके निकाल दी ये रूहानियत के नाम पर जितने मंजन इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिकते हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकते ये जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले भी सारे आपको यही मिलेंगे सऊदीया में नहीं मिलेंगे अगर सऊदीया में है तो यहां से बंदा गया हुआ उनको खराब कर रहा होगा जाके वहां का नहीं है तो इसलिए यह सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको भी और इन जैसे जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करे ये जो खोल के बैठे हुए हैं ना संग महबूब आपके कदमों में और ये जो कितने नारे लगे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या गंद लोगों को जादू के नाम पे पिला रहे होते हैं गंदे खून और ऊट पटांग अमलियात फलीते और पलीते इन सबको गवर्नमेंट पर लाजिम है कंट्रोल करें इनके धंधों को खत्म करें समझते हो कि नहीं समझते हो जो भी रूहानियत के नाम पर दुकान खोल के बैठा हुआ है बंद करे भाई हाँ दम करना रुखिया शरीय से साबित है कल मेरे पास एक आदमी आया बेचारे पे जिन था तो वाकई लग रहा था कि इसके पे तो मैंने उसको कहा मैंने कहा कहते मैं क्या करूं मैंने कहा भाई आप मैंने भी उस पर दम कर दिया मैंने कहा आप जाओ अपने महल्ले के इमाम से जो भी नेक आदमी हो उनसे दम करवा लो बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश ठीक हो जाओ ठीक है नहीं हुआ तो सब्र करो इससे आगे लिमिट को क्रॉस किया ना वो किसी सरकार के पास चले गए आप या, या आमिल के पास चले गए मैंने कहा वक्त ही फायदा होगा इसकी गारंटी दे रहा हूं लेकिन इससे बड़ी मुसीबत में फंसोगे और फंसते चले जाओगे इन तावीज गंडों में और ये जो इस किस्म की जो फलीते और असल में तो लफ्ज़ है फ़तीला धागे को बोलते हैं ये लोग धागे वागे भी पढ़ते हैं ना तो लफ्ज़ है फ़तील तो हमारे हजरत इसको बिगाड़ के पढ़ते थे फलीता लोग चूँकि लोगों को उर्दू सही नहीं आती अरबी का लफ्ज़ ही है तो फ़तील को लोग फलीत, फलीता बोल देते हैं तो हजरत ने उसका नाम रखे थे फलीता हरत फरमाए कुछ पब्लिक ने बिगाड़ा है कुछ हम इसको बिगाड़ देते हैं ताकि इसकी अज़मत लोगों के दिलों से निकले तो ये जो आज का लूट पटांग किस्म की हर धागा कोई इधर बांधा हुआ है कोई इधर धागा बांधा हुआ है इधर कुछ बांधा हुआ है इधर कुछ बांधा हुआ है इधर कुछ बांधा हुआ है अब हमें देखो हमने कोई धागा शागा नहीं बांधा हुआ तो हमारे वाले साहब भी नहीं मानते थे हमारी दादी भी नहीं मानती थी हमने जिनको अपने बुजुर्गों को अपनी ज़िंदगी में देखा अपने ख़ानदान के बड़ों को अपने शेख को भी देखा सबके सारे मसाइल अल्लाह का शुक्र है हल हो रहे हैं और सारे मसाइल तो दुनिया में हल हो भी नहीं सकते कभी परेशानियाँ भी आती हैं कभी खुशी है। हमारे साथ भी ये चलता रहता है आपको जब मैं मेम्बर पर बैठा हुआ खुश नजर आ रहा हूँ तो क्या मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं आती हर तरह की आती हैं भाई हम भी इसी सोसाइटी के हैं कभी घर में इज्जत होती है कभी तबीयत से बेस्ती हो जाती है घर में अलहमदिल्ला सबके साथ होता है भाई हम ये दावे ही नहीं करते लोग बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं मेरा इतना रोब है भाई हमारा तो थोड़ा बहुत रोब है कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ बेजती हो जाती है उसके बाद ये जरूर है अल्लाह ने एक क्वालिटी रखी है जब ज्यादा बेजती होती है फील होना खत्म हो जाती है <laughs> ये, ये, ये।, ये।, ये के साथ है तो सब कुछ सब घरों में होता है उसका हल दुआ मांगो और सब्र करो तीसरा कोई हल आपके पास अल्लाह से लॉ लगाओ दुआ मांगना सीखो कितना मजा आता है किसी सरकार के पास जाए बगैर अल्लाह की सरकार में आ जाए आदमी नाहन करबिन हबलवरीद अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूं ये अल्लाह क्यों कहते हैं भाई मुझसे मांगो उदरूनी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा तो अल्लाह जवाब देता है कुछ लोग उस जवाब को सुनते हैं और जो बहरे हैं उनको वो जवाब सुनाई नहीं देता वो जवाब यही है कि अल्लाह या तो उस दुआ को पूरा कर लेता है या दिल में तसल्ली डाल देता है कि भाई तुमने अपना केस मेरे दफ्तर में फाइल कर दिया है अब जो होगा तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए बेहतर होगा परेशानियों में रहना ही बेहतर है एक आसेब वाली औरत अन्हा नबी के पास आई हाँ, परेशान हो जाती थी जब आसेब का दौरा होता तो कपड़े फाड़ दिया करती थी तो यार रसूल्लाह मेरा इलाज करें आपने फरमाया देखो मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा तुम ठीक हो जाओगी लेकिन फिर जन्नत की खुशखबरी नहीं है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम इसी गम में रहो और यही गम का बर्दाश्त करना तुम्हारे जन्नत में दाखिले का जरिया बनेगा हर एक को अलग तरह से अल्लाह आजमाता है ना इसी गम में बर्दाश्त करोगे तो दुनिया मुसाफिर खाना है किसी का खुशियों में टाइम पास हो जाता है किसी का गमों में पास सबका टाइम होता है मरने के बाद सबकी खबरें एक जैसी होती हैं जो गम में सबर करके चला गया वो उधर जन्नत के मज़े और जो खुशियों में अल्लाह को याद करके गया उधर भी उसकी जन्नत के मज़े और जो खुशियों में इतराने लगा उधर बर्बाद होगा और जो ग़म में बेसब्री का मुजाहरा करेगा वो भी उधर बर्बाद होगा अदी में आता है बाज़ लोग ऐसे दुनिया में भी परेशान आखिरत में भी परेशान क्योंकि यहाँ ग़म आए सब्र नहीं किया तो उन सहाबिया ने अर्ज़ किया यार रसूल अल्लाह मेरा इलाज कीजिए तो या दुआ कीजिए मेरे लिए आपने फरमाया मैं दुआ करूँगा अल्लाह तुम्हें इस बीमारी से शिफा दे देगा लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं है फिर अमल देखा जाएगा तुम्हारा जन्नत वाला अमल किया तो जन्नत में जहन्नम वाला अमल किया तो जहन्नम में जैसे सब लोगों की आजमाइश है लेकिन अगर तुम इस बीमारी में सब्र करती हो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं अब बताओ इसी बीमारी में सब्र करके यकीनी जन्नत चाहिए या गैर यकीनी जन्नत चाहिए यह नहीं कहा कि फिर अगर बीमारी में सब्र बीमारी ठीक हो गई तो जहन्नम में जाओगी नहीं फिर भी चांस है जन्नत में जाने का लेकिन जमानत नहीं है तो इस हदीस से पता चलता है कि बाज लोगों को अल्लाह दुनिया में टेंशनें देता ही इसलिए कि उनके अमाल में इतनी ताकत नहीं होती कि जन्नत वाजिब कर ले अल्लाह कहते हैं परेशानियों में रखो सबर करेगा इसी पे जन्नत मिलेगी इसको इन अदा हब मरीब तलाम सही हदीस है अल्लाह बार दफ़ा किसी कौम से जब मोहब्बत करते हैं मुसीबतों में डाल देते हैं अल्लाह कहते हैं चल तू इसी टेंशन में जिंदगी गुजार मेरे पास आएगा धुल धुला के आएगा सारे गुना तेरे दुनिया में माफ हो चुके होंगे तो उन सहाबिया ने कहा ठीक है अगर जन्नत की जमानत है इस बीमारी को मैं बर्दाश्त करूंगी लेकिन फरमाया कि मैं जो जिसम के कपड़े फाड़ देती हूं इतनी दुआ करें कि ये ना करूं क्योंकि हयादार खातून थी कपड़े फाड़ने से जाहिर है सतर खुलने का ख़तरा होता है तो इतना कम अज़ कम ये इसका शरीय से ताल्लुक है ना हया से तो आपने फरमाया हाँ हा, इतनी दुआ होगी कि इस बीमारी में तुम कपड़े नहीं फाड़ोगे उन साहबिया ने सारी जिंदगी बीमारी बर्दाश्त की अल्लाह हम सबको बीमारियों से बचाए आज़माइशों से बचाए लेकिन भाई अगर आजमाइश आ जाए तो ना शुफ वाली सरकार के पास जाओ ना किसी आमिल के पास जाओ ना किसी रैवन के मुकीम आमिल के पास ना किसी देवबंदी मुकीम आमिल के पास ना किसी बुजुर्ग के खलीफा आमिल के पास ना किसी अहले हदीस आमिल के पास ना किसी बरेलवी आमिल के पास ना किसी शिया आमिल के पास आमिल होना ही काफी है लिखा होता है ना नाम ही काफी है फिलिप सबसे बेहतर है पहले किस तिहार आया करता था नाम ही काफी है तो तो क्या करना है इतना ज़रूर है कि रुकिया जो हदीस से साबित है सूर फलक सूर नास आयतल कुर्सी यह जो दुआएं हैं तो वो मस्जिद के इमाम है जो नेक आदमी हो उससे जाके दम करा लो इमाम अक्सर नेक ही होते हैं तभी तो बेचारा नमाज पढ़ा रहा है तो नमाज पढ़ाने की भी एक बरकत होती है ना कारी साहब से दम करवा लो इमाम साहब से दम करवा लो किसी मौलवी साहब से दम करवा लो मेरे पास फ़ुर्सत है तो मैं फूंक मार दूंगा लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है क्योंकि फिर फूकों की लाइन लग जाएगी और मेरी अपनी फूँक निकल जाएगी हकीकत है क्योंकि मेरे पास इतनी फूँकें नहीं हैं जितनी फूँकों वाली सरकार के पास हैं इम्पोर्ट हो रही हैं फूकें तो किसी से भी दम करा लो लोग कहते हैं किससे कराएं है। जो ये काम ना करता हो उससे कराओ बस ये जहन मेरे को ठीक है ना जो ये काम ना करता और बार बार मैं कहता हूँ मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी महिला ताली आमिल नहीं थे वो जो वो एक करामत थी उनकी करामत थी उनकी उनके बेटे ने भी बताया कि हमारे वाले साहब आमिल नहीं थे बास बुजुर्गों के हाथ पे करामत जाहिर हो जाती है तो करामत तो किसी के हाथ पे भी जाहिर होती है कि वो किसी को भी कुछ भी लिख के दे दिया वो ठीक हो जाता था वो करामत के तौर पर तो उन्होंने भी कोई करामत सेंटर थोड़ी खोला हुआ था कि मीडिया पर ला ला के देखो मैं ये हूं मैं यू हूं और फिर स्टाइल भी तो देखो ना ड्रामा बिल्कुल जी जी जैसे ड्रामा भी तो तो ये टोटल ए टू जेड क्या है और मुफ्ती मूसा रूहानीबाजी की अगर करामत थी तो वो तो समझ में भी आती है प्रॉपर दाढ़ी थी उनकी तहजुद गुजार थे सारी जिंदगी दीन की तबलीग में गुजरी है उन पर तो समझ में भी आता है ना इन लोगों की क्या माजी उठा के देखो हाल देखो देखो मैं नहीं कह रहा कोई कोई बुरी हरकतें की होंगी इन्होंने हमसे अच्छे ही होंगे लेकिन गेटअप से एक देख लो आप और क्या कोई माजी में कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं सबसे पहली बात तो जो जो चीज़ दो और दो चार की नज़र आ रही है वो क्या है दाढ़ी नजर आ रही है सबसे पहले कोई एक साहबी आपने देखा छोटी दाढ़ी वाला कभी सुना आपने ना साहबा दाढ़ी काटते थे ना छोटी करते थे तो खालिफुल हदीस में इसको सख्त ममानत की गई है आफुल्लिहा रखो नहीं बढ़ाओ दाढ़ी तो जो भी नबी से इश्क और मोहब्बत का दावा करता है सबसे पहले उसका गेटअप क्या होना चाहिए उसके गेटअप से तो आप दाढ़ी नहीं रख रहे आपका जाती मसला है हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे लेकिन कम अज कम बड़े बड़े दावे तो ना करें ना ऐसा तो शुफ वाली सरकार जो है तो लोग इनसे डर रहे थे शुफ वाली सरकार से इकरारुल हसन ने खानदानी काम कर दिया हमें भी जब मैंने इसके खिलाफ बयान दिया ना तो बहुत स्ट्राइकें दी बहुत पावरफुल लोग हैं ये बहुत स्ट्राइकें दी हालांकि स्ट्राइक देने की जरूरत नहीं थी चैनल को आपको चाहिए था शुफ चैनल उड़ गया क्या ख्याल है भाई एक शुफ आपके जब शुफ से एक हड्डी जुड़ सकती है साल से एक आदमी है ठीक हो सकता है तो आपके एक शुफ मेरे चैनल पे शुभ करो और चैनल बढ़ जाना था तो ये तो इधर कभी उधर ओछे हटकंदे इस्तेमाल कर रहे होते हैं बंदे उठा उठा के जो वाकत हुए अभी मैं क्या ज़्यादा डिटेल में तो इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है इस किस्म के जितने भी ड्रामेबाज किस्म के लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करे लेकिन सवाल पैदा होता गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करे तो जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं वही कंट्रोल कर ले इनको जो बुजुर्गान दीन पाकिस्तान में बड़े जो पाए जाते हैं अस्तफिरल्ला अच्छा खैर तो कोई तो करे ना कंट्रोल भाई हमें कंट्रोल करने से मतलब है कोई भी कर रहा हो स्टेब्लिशमेंट करे गवर्नमेंट करे हमें इससे मतलब नहीं है लेकिन करो इन लोगों को एक नहीं है ऐसे क्या है गुलशन म्यामार में भी एक बहुत बड़ी फिल्म है बहुत बड़े बड़े को उसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है वो भी कुछ ना कुछ इतना लोगों के घर तबाह कर दिए उसने तलाक़ें दिलवा दी हैं घरों में इतनी बर्बादियाँ कर दी हैं तो इसलिए आ, मैं अभी ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना ये इकरार हसन को अप्रिशिएट करने के लिए उस एक बंदे ने नर वाला काम किया वो डरा नहीं वरना ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं तो वो डरा नहीं उसने एक हिम्मत की है तो अब आप उस हिम्मत में उसका साथ दें और हर पॉजिटिव काम में ऐब नहीं तलाश करना चाहिए बाज़ दफ़ा कोई बंदा ठीक भी कर रहा होता है हम हर चीज़ में हमें कि ये असल में ये जो कर रहा है ना इसके पीछे असल में ये है असल में यूँ असल असल घुमा घुमा के कोई भी अच्छा काम पाकिस्तान में कर ही नहीं सकता तो जो अच्छा कर रहा है भाई अच्छा कर रहा है समझ में दो और दो चार की तरह नजर आ रहा है कि ये अच्छा हो गया हमारे लीडरों में कोई अच्छा काम करेगा तो जो अपोजिशन के हैं वो कहते हैं असल में असल में ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है आपका जब वो लीडर होगा तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा जब अपोजिशन में होगा तो वो क्या कर रहा है बेवकूफ़ बना रहा है तो जो भी अच्छा काम कर रहा है आपने क्या करना है अप्रीशिएट तो इकरार हसन ने खानदानी काम किया है आपकी ज़िम्मेदारी है कि अखराल हसन के उस क्लिप को वो काम किया कि उसने बताया कि ये ऐसे फ्रॉड होते हैं आंखों से इस तरह से चीज़ें निकाल ली जाती हैं जंजीरें ये सब हाथ की सफ़ाइयाँ हैं ये जो सुइयाँ अंडों से निकालते हैं ना ये बड़ी ड्रामेबाजी है ये आमिर लोग क्या करते हैं कि वो जिन चुड़ैल भूत है और यूं यूं किया अंडा निकाल दिया वो होता ही है फिर उसमें सुइयाँ होती हैं तो ये सब हाथों की सफाइयाँ होती हैं ये शोबदे होते हैं अच्छा गोरे अंग्रेज़ों में एक अच्छी बात क्या है अंग्रेजों में भी ये ड्रामे हैं लेकिन वो इसको ड्रामा ही कहते हैं वो मजहबी तड़का लगा के रूहानियत के नाम पे बेचते नहीं है गोरे जो है ना आपने देखा होगा कबूतर निकाल रहे हैं और मैजिक शो होते हैं ना उनके यहां तो वो उसको शो ही समझते हैं वो अब ऐसा नहीं होता गोरे ये मैजिक शो करके अब मंजन बेचना शुरू कर दें कि इसका मतलब हम पहुंची हुई सरकार है अब फूके लगाओ और भदी है लो लोगों से वो कहता भाई एक मैजिक है नजर को क्या है ये एक धोखा है तो एक फ़न है पैसे लेके सिखा भी देते हैं वो फ़न तो उन्होंने इसको जितनी औकात थी उतना रहने दिया हमारे यहां मजहब का मंजन बिकता है और ये जितने भी जिन चुड़ैल भूत वाले केसेस है ना ये मजहबी लोगों में ही मिलेंगे आपको मैं जापान गया ना वहां किसी जैपनीज पे जिन चुड़ैल भूत नहीं देखा मैंने मैंने तफतीश की मैंने कहा यार यहां जिन चुड़ैल भूत आते हैं उन्होंने कहा आते हैं उन लोगों पर आते हैं जो इनके मजहबी लोग हैं और जिनका मजहबी स्कॉलर से ताल्लुक है जो उनके मंदिर में या जो भी उनकी इबादत गाह में बैठा हुआ होगा ना वहां जाओगे तो जिन भी आएगा भूत भी आएगा और चुड़ैल भी अंग्रेजों में भी जिन चुड़ैल भूत एक भी नहीं है लेकिन जिनका पादरियों से ताल्लुक है ना उन पे जिन भी भूत भी और चुड़ैल भी और पादरी जिन भी उतारेगा भूत भी उतारेगा चुड़ैल भी उतारेगा हिंदुस्तान में इंडिया में आप चले जाओ जो उनके साइंटिस्ट हैं उनके जो सेकुलर और लिबरल लोग हैं किसी पे ना जिन आएगा ना भूत आएगी ना भूत आएगा ना चुड़ैल आएगी नहीं यारी बात इतने पावरफुल होते तो अब तक यहां आ चुके होते हैं बोलते मुफ्ती तू हमारे खिलाफ बीस साल से तकरीने कर रहा है कोई एक चुड़ैल तो आती ना मुझे तो सबसे पहले ताने देती क्या ख्याल है कि यार बस कर बहुत बोल लिया तूने हमारे खिलाफ अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना मुझ पर जिन है ना भूत है ना चुड़ैल है तो ये उन्हीं लोगों के वंजन बिकता है जो इन लोगों को ज्यादा लिफ्ट कराते हैं तो हिंदुओं में भी आप देख लो जो उनके एजुकेटेड लोग हैं साइंटिस्ट हैं कोई ना जिन ना भूत ना चुड़ैल लेकिन जिसका पंडित से ताल्लुक होगा ना हर दूसरे दिन बाद उस पर चुड़ैल आ रही होगी पंडित जी के पास जाएगा और वो चुड़ैल उतारेगा तो मुसलमानों में भी जो सेकुलर लिबरल लोग हैं न जिन न जब भूत ना, ना चुड़ैल जो मजहब में तबलीग में वक्त लगा लिया मदरसे में पढ़ रहा है खानका से ताल्लुक है उस पर जिन भी आएगा उस पर चुड़ैल भी आएगी उस पर भूत भी आएगा और उतारेगा कौन बुजुर्ग उतारेंगे तो या तो मजहब गलत है या मजहब की तशरी क्या हो रही है गलत हो रही है समझते हो या नहीं समझते हो फिर वही पुरानी बोसीदा दलील देते हैं कि पैगंबर पर भी तो जादू का असर हो गया था तो हम पे नहीं हो सकता इम्कान से चीजें साबित नहीं होती समझते हो गया नहीं समझते पैगंबर पर जादू का असर क्यों हुआ था इसको उलमा ने बयान किया है कि लोग आपको जादूगर कहते थे अल्लाह ने होने दिया थोड़ा सा ताकि कम अज कम ये ताना आपसे दूर हो जाए कि भाई अगर जादूगर होते तो अपने ऊपर ना होने देते वरना इससे बड़ा सवाल यह होता है कि अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया उमर पे क्यों नहीं हो गया उस्मान पे क्यों नहीं हो गया अली पे क्यों नहीं होगी या रजी अल्लाह यहूदियों ने उन उनपे कोशिश नहीं होगी तो ऐसे अगर अंधी लगी हुई है कि जिठानी को सास से लड़ा दिया और बहू को यूं कर बहू ने सास पे जादू कर दिया सास ने बहू पे जादू कर दिया सोगन ने सोगन पे कर दिया ऐसे मेरे भाई हो रहे तो इमरान खान सबसे पहले नवाज शरीफ पे करवाता नवाज शरीफ किस पे करवाता इमरान खान पे करवाता फिर वो बाजवा पे करवाता बाजवा उस पर करवाता जादू पूरे मुल्क का सेटअप क्या हो जाता बर्बाद हो जाता तो ऐसे थोड़ी होता है यार इतना मजाक बना लिया तुम लोगों ने इस सिस्टम को और एक बस आखिरी वाक्य सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं अभी कुछ दिन पहले एक साहब आए कहने लगे हमारे घर में खून की छींटे नजर आ रही हैं और बंदर के पंजे नजर आ रहे हैं तो ये कुछ है और मैंने किसी आमिल को लाया हूं उसने सूंघ के बताया कि चुड़ैल वुड़ैल का कोई केस है मैंने कहा भाई बंदर के पंजे नजर आए खून के छीटे इग्नोर करो खून नजर आए के साफ़ कर दिया करो बस और ज़्यादा शरीर रुकिया कर लो सूर्य फलक सूर नाच पढ़ लो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक लगा दो बस काफ़ी है छींटे मार दो पानी की बस काफ़ी है कह रहे नहीं हज़रत चोरियाँ भी हो रही हैं और घर में वो जिन चोरी भी कर रहे हैं और हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है सब नेक परहेजगार हैं मैंने कहा जिन तो पकड़ लिया मैंने मैंने कहा जो बेगैरत चोरी कर रहा है ना घर का फ़र्द वो आपकी तवज्जो चोरी से हटाने के लिए बंदर के स्पेशल ऑर्डर पे पंजे बनवा के क्या कर रहा है छपवा रहा है घर के अंदर अब मैंने कहा हंड्रेड परसेंट मैं हल्फिया बोल सकता हूं घर का चोर है ये मैं उन्हें उसके मुंह पे नहीं कहा लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कहूं हो सकता है वो आप ही हो क्योंकि बाज दफा ना केस वही करता है जो खुद मुजरिम होता है यह भी होता है बाज दफा यह होता है कि जो आदमी खुद चोरियां कर रहा है ना तो बीवी बच्चों की तबीयत हटाने के लिए वो कहता है मैं मुफ्ती साहब से पूछ के आ जाऊं वो खुद कह रहे हैं भाई ये क्या है जिन चुड़ैल भूत है और खुद ही पंजे ला ला के लगा रहा होगा और कौन तहकीक करेगा कि ये फार्म में मुर्गी के पंजे हैं या बंदर के पंजे हैं पंजे तो दोनों के तकरीबन एक ही जैसे होते हैं छीटे किसकी हैं क्या है कलर है क्या है, 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 है कोई लैब में थोड़ी करवाया है तो ये बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं भाई दुनिया में गोरा क्या करेगा गोरे की तरक्की जो अल्लाह ने उसको मादी तरक्की दी है वो हर चीज को एनालाइज करता है तजिया करता है ये हमें खराबी हदीस में आता है तको मुस्ा व रूम अब अक्सर उन्नास क्यामत जब कायम होगी ना रूमी यानी जो गोरे हैं ना अंग्रेज ये फिर भी दुनिया में बहुत होंगे वजह उसकी क्या है साहबी कहते हैं मैंने जब उनमें देखा तो उनमें देखा उनका जब कोई नुकसान होता है ना तो उसका तजिया करते हैं इसबाब तलाश करते हैं यह हो क्यों रहा है उसकी तह तक घुसने की कोशिश करते हैं फिर उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करते हमारे यहां जब नुकसान होगा तो उसके सब में नहीं जाएंगे मिया बीवी में झगड़े हो रहे हैं सबब में नहीं जाएंगे कि गलती किसकी है फौरन आमिलों के चक्कर में अब ये उसने अंदर जो है ना एक बेल थी उसके ऊपर तावीज छुपाया हुआ इस वजह से लड़ रहे हैं और सास बहू की लड़ाई है तो देख नहीं रहे गलती किसकी है घर में मसला क्यों पैदा हो रहा है ना ये किसी ने क्या किया है जादू किया है ये किया है तो अंग्रेज क्या करता है जब उसमें कोई कुछ नुकसान होगा ना तो वो उसकी तह में क्या करेंगे बोलो घुसेंगे देखो अंग्रेज अफगानिस्तान में आया रशिया भी आया था रशिया बहुत तबीयत से पिटाए अमेरिका को भी नुकसान हुआ मगर उस नौयत का नहीं हुआ वजह क्या है उसने पहले हिस्ट्री को पढ़ा कि रशिया इतना पावरफुल था आया था तो उसने देखा भाई ये कौम जो है ना ये ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता इस पर क्योंकि ये फिर ये मौत का घूंट पी लेंगे ये गुलामी बर्दाश्त नहीं करते तो अंग्रेज जब आया ना अफगानिस्तान में तो टॉफियां बांटी उसने बच्चों को उसने इलेक्शन करवा के फौरन एक हुकूमत बना दी और हुकूमत में उसने कहा पश्तो जो स्पीकिंग है ना वही सदर होगा और कहा मैं तुम्हारा रहनुमा हूं मैं दोस्ती के लिए आया हूं वो अलग बात है वो उनको समझ में फिर भी उन्होंने कहा फिर भी निकाला उसको लड़ाई की उन्होंने जिहाद किया उन्होंने उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं बर्दाश्त करते लेकिन एक स्टडी तो की ना उन्होंने कि वो गलती दोबारा वो गलती जो रशिया ने की थी वो नहीं दोहरानी और अब जो उनको इस 20 साल के तजर्बे के बाद जो चीज़ उनके सामने आई कि भाई इस मुल्क का रुख ही नहीं करना है ये मुल्क जंग के लिए बना ही नहीं है जंग से मुराद कोई और गैर कौम आके इस पर हुकूमत करे ये काम करना ही नहीं है हमारे यहां पता ही क्या होता है जब कोई मुसीबत पहुंची नुकसान पहुंचा बजाय उसके इसके हम उसके अब जैसे खुफिया चोरी हो रही है पता ही नहीं चल रहा तो भाई कोई बड़ा होशियार किस्म का चोर है या तो ये खुद चोर है जो इंक्वायरी में लगा हुआ है मेरे साथ तो ऐसा हुआ है मेरी चीजें चोरी हुई तो जो चोर था ना इधर मस्जिद से चोरी हुई जो चोर था कमबहत वो जाके एफ आई आर कटवा के आया है हमारा शक भी नहीं था कि यार ये आदमी चोरी कर बाद में पता चला यही था बार दफा एक बड़ी मोहब्बत का यहां एक बंदा आता था मेरे खत लिख के देता था आपसे बहुत अकीदत आपसे बहुत मोहब्बत बड़ी प्यारी बातें करता था तो उसको नहीं पता था खुफिया कैमरे लगे हुए हैं यहीं से चीजें चोरी करके भाग गया फिर मेरे नाम पे चंदा भी लेता रहा वो तो कैमरे लगाए हमने हमने जिन चुड़ैल भूत पे नहीं डाला जब कैमरे लगाए तो पता चल गया ये तो बड़ा फिल्म है भाई ये तो बहुत बड़ी फिल्म है तो इसबाब इख्तियार करो और अल्लाह से दुआएं मांगो और रुकिया जो शरीयत से साबित है बस उस पर उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो तो खैर मैं आखिर में दोबारा हसन का पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ तो उसको अकेला ना छोड़ें उसको क्या करें सपोर्ट करें कोई तो ख़ानदानी काम किया ना उसने अल्लाह ताला इकरारुल हसन को इसका बेहतरीन बदलाता फरमाए और जिनमा ने भी उसका साथ दिया है अल्लाह ताला उनको भी जजाय खैर फ़रमाए।